जम्मू कश्मीर के सुंजावन गोलियों की तड़ताहट के बीच किलकारी भी गूंजी है। इसका श्रेय जाता है सेना के डॉक्टरों को, जिन्होंने घंटों के ऑपरेशन के बाद आतंकी हमले में घायल गर्भवती महिला और उसके बच्ची की जान बचाई। सैन्य स्टेशन पर आतंकवादियों के हमले में घायल हुई महिला ने जम्मू में एक लड़की को जन्म दिया। महिला को आतंकवादी हमले के दौरान गोली भी लगी थी, इसके बाद उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। डॉक्टर्स ने शनिवार रात को सी सेक्शन के जरिए बच्चे की डिलीवरी कराई। इसके बाद महिला ने अपनी और बच्चे की जान बचाने के लिए सेना का शुक्रिया अदा किया। प्रेगनेंसी के साथ में एक गनशॉट वुंड था, जिसमें अगर वो स्विंग कर रही होती मदर, अगर वो उसका बीपी पल्स स्टेबल नहीं होता तो हमको उसको स्पाइनल में नहीं ले सकते थे, हमें उसको जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता, पूरा बेहोश करना पड़ता, जिसमें बच्चे के डिप्रेस होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। और ये बच्चा 35 वीक था, विच इज स्लाइटली प्रीमेच्योर, बट वी वर लकी इनफ कि बच्चा मां स्टेबल थी, मां का बीपी पल्स वगैरह स्टेबल था, ब्लड लॉस के बावजूद शी वॉज हीमोडायनेमिकली स्टेबल, और हम क्विक डिसीजन ले पाए कि हम स्पाइनल में सेफली इस केस को कर सकते हैं। और विदाउट लूजिंग एनी टाइम, विद इन 2 मिनट द चाइल्ड वॉज आउट व्हेन द मदर वॉज ऑन द ओटी टेबल। उसके बाद 2 मिनट के अंदर हमारे गायनेकोलॉजिस्ट ने बच्चे को निकाल लिया था, और उसके बाद मदर भी स्टेबल रही और बच्चा भी डिलीवरी के बाद में अब तक सही है। दोनों मदर और चाइल्ड दोनों अच्छे हैं सर।